नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह तोमर। आप देख रहे हैं तोमर क्राइम न्यूज। दीपावली का पर्व है, धनतेरस का दिन है। हमारे यहाँ धनतेरस शनिवार और रविवार दो दिन मनाई गई। किसी ने पंडित के अनुसार मनाई तो किसी ने अपने ही अनुसार धनतेरस को दिन चुनकर मनाया। हम आपको बता दें कि अब मारवाड़ जंक्शन में नगर पालिका बन चुकी है और नगर पालिका बनने के बाद एक जो विकास होता है वह तेज गति से होता है। साथ ही जो काम होते हैं, बजट होता है, वो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत से भी अधिक बजट आता है। और अधिक बजट आने का मतलब यही है कि अत्यधिक काम होना। तो चलिए, हम आज बात दीपावली का पर्व है, धनतेरस है, उसी पे आज बात करते हैं। नगर पालिका पर फिर कभी बात करेंगे और बताएंगे उस बारे में कि नगर पालिका के क्या क्या काम होते हैं और कितना इस पर बजट आता है और किस तरह से इस काम करती है। आज हम सिर्फ मात्र बात कर रहे हैं दीपावली पर्व पर। हम आपको लेकर चलते हैं मारवाड़ जंक्शन नगर। पहले ये मारवाड़ जंक्शन कस्बा कहलाता था और अब नगर पालिका होने के बाद ये मारवाड़ जंक्शन नगर हो गया। हम आपको बाजार मेन बाज़ार लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ की रौनक क्या है और कौन कौन सी दुकानें लगी हुई हैं, क्या वहाँ का माहौल है। तो आइए चलते हैं। हम शुरुआत करते हैं मेन बाज़ार सिंधी बाज़ार से। तो आप देख रहे हैं सिंधी बाज़ार के अंदर, ये देखिए आप हमारी स्क्रीन पर देखते रहिए, मिठाइयों की दुकान सजी हुई है। दोनों ओर मिठाइयों की दुकानें हैं, तो कहीं फूल माला हैं, तो कहीं रेडीमेड की दुकानें हैं, तो कहीं फल फ्रूट की दुकानें हैं। और आप देख सकते हैं आप ये सिंधी बाज़ार स्क्रीन पे। अब हम आपको लेके चलेंगे मारवाड़ी बाज़ार होते हुए अव्वा रोड। आइए अव्वा रोड चलते हैं। अव्वा रोड हम आपको ये देखिए, यहाँ पर भी मिट्टी के दिए बेचने वाले, फूल माला बेचने वाले, कैलेंडर बेचने वालों की दुकान और लाइट डेकोरेशन की दुकानें हैं, किस प्रकार से सजी हुई हैं। और हम आपको एक और इसमें बताने जा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर हमने कहीं कुछ देखा तो सैलून में देखा। सैलून में युवाओं की भीड़ देखी, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और तीन तीन सैलून में काम करने वाले, उसके बावजूद भी चार से पांच छह लोगों का इंतज़ार करना एक युवाओं का क्रेज है। आजकल पश्चिमी सभ्यता प्रवेश कर चुकी है तो क्रेज क्यों नहीं होगा, होना भी चाहिए। दीपावली का पर्व है, अपने अपने हिसाब से दीपावली हर कोई मनाएगा। कोई नए कपड़े खरीदेगा, कोई दीपक खरीदेगा, कोई क्या खरीदेगा, कोई लाइट डेकोरेशन खरीदेगा। लेकिन हम आपसे निवेदन करते हैं कि चाइना लाइटों का बहिष्कार करें और जो सड़क पर बैठकर जो मिट्टी के जो दिए बेच रहे हैं उनसे आप मिट्टी के दिए खरीदें, जिससे उनके घर का खर्च आपके पैसों से चले, उनकी कुछ मदद हो जाएगी आप अगर मिट्टी के दिए खरीद लेंगे उनसे तो। और चाइना लाइटों से बचें। हम लोग चाइना का बहिष्कार तो करते हैं,
लेकिन साथ में उनका माल भी हम बेचते हैं। वह यह तो वही बात हुई, मुख में राम बगल में छुरी। नहीं, चाइना का बहिष्कार करें, चाइना का माल ना खरीदें। चीन हमारा दुश्मन है, दोस्त नहीं हो सकता। तो देखिए, सैलून में भीड़ रही, और भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखते रहिए हमारे स्क्रीन के ऊपर, हमारे स्क्रीन में आप देख लीजिए, गुजर बोल्डिंग, सिंधी बाज़ार, अव्वा रोड की क्या स्थिति है, कौन सी दुकानें सजी हुई हैं। हम आपको अभी, ये दिन का है, ये दिन का नज़ारा है, हम आपको नाइट में भी दिखाएंगे कि नाइट के अंदर रोशनी में मारवाड़ जंक्शन नगर किस तरह से दिखाई देता है। उसके बाद हम सरकारी कार्यालय को भी जो रोशनी से सजाया गया है, वो रात के दृश्यों को हम फिल्मांकन करके आपके सामने जरूर दिखाएंगे, और एक अच्छे तरीके से आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पहली बार नगर पालिका बनने के बाद में हर सरकारी महकमों पर लाइटिंग से रोशनी की गई है। लेकिन अब आप बने रहिए हमारे साथ और हमको दीजिए विदा, तब तक आप तक देखते रहिए मार्केट की साजो सजा। और हाँ, एक बार और कि आप इसमें देखिए हमारे वीडियो में, हमने जो सिंधी बाज़ार से लेकर अव्वा रोड तक बनाया है, इससे आपने वीडियो से क्या महसूस किया है, आप हमें कमेंट्स ज़रूर करना, शेयर भी करना, लाइक भी करना, और इस खबर को सब्सक्राइब भी करना, क्यों ये महत्वपूर्ण वीडियो है। हमारा पर्व है, हम आपको बता देते हैं यही उत्तर, हमारा पर्व है, लेकिन बाज़ार में भीड़ नहीं है। दुकानदार आप देख सकते हैं खड़े हैं, इक्का दुक्का ही कहीं दुकानों पे ग्राहक की मौजूदगी है, लेकिन अधिकतर दुकानदार खामोशी से खड़े हैं और ग्राहकों के आने की टकटकी लगाए बैठे हैं और देख रहे हैं कि ग्राहक आए। अब तो देखने वाली बात है, धनतेरस आज भी है, अब दीपावली का सीजन है, अब दो दिन में जो व्यवसाय होगा, कितना होगा कितना नहीं होगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन हम आपको बता दें कि इस बार व्यापार फीका रहा, बाजार फीका रहा। हो सकता है लक्ष्मी पूजन के दिन ही भीड़ भाड़ रहे, लेकिन अब जनता जनार्दन है, सभी के पास तो कुछ धन की कमी रहती है, पैसों की कमी रहती है, तो अपने हिसाब से ही आदमी बाज़ार निकलता है और अपने तरीके से ही वह कुछ न कुछ खरीद कर लाता है। धन बिना तेरस नहीं, धन होगा तो तेरस होगी। और हाँ, पटाखे की हम आपको बात कर रहे हैं, बच्चों को पटाखों से दूर रखें, बच्चों को अधिक से अधिक फुलझड़ी ही पकड़ाएं, बड़े बड़े पटाखों से अपने आप को भी सुरक्षित रखें और बच्चों को भी सुरक्षित रखें, और साथ ही जितना कम हो सके अच्छे वाले पटाखे लें, जिससे प्रदूषण ना हो। प्रदूषण होने से आप हम सभी को तकलीफ़ होगी, वातावरण भी दूषित होगा, पर्यावरण दूषित होगा। पर्यावरण की भी हमको रक्षा करनी है, अपने आप को भी रक्षा करनी है। तब तक के लिए हमारा नमस्कार।